नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वैसे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी होती ही रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इन दिनों की सियासत की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफ़ी मुखर हो गए हैं और हर छोटे से बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरते नज़र आते हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब लगातार आते रहते हैं। सुबह ही ऐसा देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था और शिक्षा के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। तो दोपहर में अखिलेश यादव ने एक खबर को लेकर सरकार पर तंज कसा, जो था तो तंज लेकिन बड़े गंभीर मायने हैं उसके। दरअसल बरेली में बीते दिनों बस चोरी हो गई थी, जिसको लेकर एक वेबसाइट में खबर लगी कि कुछ दिन पहले ऐसे सुनने में आता था कि साइकिलें चोरी होती हैं, कार चोरी होती हैं और अब बसें भी चोरी होने लगी, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में लिखा कि देखना कहीं बुलडोजर भी गायब हो जाएगा। जिसके साफ मायने थे, बुलडोजर से मतलब वही निकाला जाता है सरकार का। अब इस जो ट्वीट है, जो तंज है, इसका पलटवार किस तरह से भाजपा की तरफ से आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात जरूर तय है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बुलडोजर के बहाने सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।